नमस्कार दोस्तों, स्टार कतुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अप्रैल में जो एग्जाम हुए थे उनमें से टोटल आपके 9 वीडियो वहां पे पब्लिश हुए थे। टोटल 9 वीडियो को देखने में आपको बहुत सारा टाइम लगता था, बट उसको 9 वीडियो को अब 3 वीडियो में कवर किया जाएगा जिससे आपको बहुत सारा टाइम बच सके। सेकेंड रीजन इसका ये है कि आप लोग सिर्फ लास्ट 3 मंथ का आप वीडियो देख लेते थे, उससे अब क्या होता था बहुत कम क्वेश्चन फंसे थे। आप पुराने जैसे जनवरी फरवरी मार्च का आप पेपर नहीं देखते थे, अप्रैल का नहीं देखते थे, उससे क्या होता था बहुत क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिलते थे। इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह का वीडियो बनाया जा रहा है। और साथ में मैं अनअकैडमी पे ट्रिपल सी का थ्योरी भी पढ़ाता हूं, आप वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा 6 अप्रैल यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन जो सबसे पहले पूछा था, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका था कि आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपको अनुमति देता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 4 ऑप्शन है। पहली बात एक पहला ऑप्शन इनहेंस, दूसरा ऑप्शन इनक्रिप्ट है, तीसरा ऑप्शन डिस्क्रिप्ट है और जो आपका चौथा ऑप्शन है क्या आपका डिजाइन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। कि पीजीपी किसको अनुमति देता है, इनक्रिप्ट को अनुमति देता है। अब यहाँ पे पीजीपी का जो देखिएगा पीजीपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, पीजीपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। पीजीपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा प्रीटी गुड प्राइवेसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप अपने सेटिंग में जाकर आप स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इसमें अब आपको 9 वीडियो को टोटल 3 वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा आपका टाइम ड्यूरेशन वॉच टाइम थोड़ा सा लंबा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ईमेल है तो ईमेल के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इस क्वेश्चन के बाहर आपको सारा डिस्कस करूंगा। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक समय पर हम ईमेल को अधिकतम संख्या को डॉट डॉट मिटा सकते हैं, कितने मतलब कितने ईमेल को एक संख्या में अधिकतम मैक्सिमम नंबर में मिटा सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, मल्टीपल संख्या को हम एक साथ मिटा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ईमेल से फिर एक क्वेश्चन आया, तो मैं ईमेल से जितने भी क्वेश्चन आज से जनवरी से लेकर आपके सितंबर तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ईमेल के बारे में सारे पॉइंट को डिस्कस कर दे रहा हूँ जो आपके जनवरी से सितंबर के बारे में जितने ईमेल से क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, तो सीसी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका कार्बन कॉपी हो जाएगा। जब सीसी का अर्थ पूछता है तो आपका बीसीसी का भी अर्थ पूछता है, तो बीसीसी का अर्थ क्या हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे सीसी और बीसीसी है तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये दोनों को क्या यूज होता है, दोनों को ग्रुप में मैसेज भेजने के लिए यूज होता है। जबकि आपका कार्बन कॉपी में क्या होता है, जब आप ग्रुप में मैसेज भेजते हैं तो उसमें सभी मेंबर को मालूम होता है कि ये मैसेज और किन लोग को भेजा गया है। जबकि आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है कि आपको जो और मेंबर को नहीं पता होता है कि ये मैसेज और किन लोगों को भेजा गया, यही डिफरेंस होता है आपके सीसी और बीसीसी में। फिर आप देखिएगा ईमेल है तो ईमेल का सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है आपका उसका फुल फॉर्म बनता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ईमेल से ईमेल की खोज किसने की थी, तो ईमेल की जो खोज की थी रे टॉमलिंसन ने किया था। आपका जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर्वप्रथम ईमेल किस व्यक्ति ने भेजा, तो सर्वप्रथम ईमेल आपके रे टॉमलिंसन ने ही भेजा था। आपका जो चौथा क्वेश्चन बनता है कि ईमेल में स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो ईमेल में स्टोरेज क्षमता कितनी होती है आपके 15 GB होती है। उसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन बनता है कि ईमेल के साथ क्या क्या अटैच कर सकते हैं, तो क्या क्या अटैच कर सकते हैं, टेक्स्ट फोटो ऑडियो वीडियो और फाइल अटैच कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा है कितने स्टोरेज तक हम अपलोड कर सकते हैं, तो हमारा कितना है 20 MB तक हम अपलोड कर सकते हैं, 20 MB से ज्यादा हम लोग अपलोड नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें 20 और 25 MB में कंफ्यूज हैं, तो आप लोग अपने मोबाइल के ईमेल पर जाइएगा, वहां पे ऐसा फाइल या वीडियो सेंड करिएगा जो 20 MB से ज्यादा होगा। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा मैसेज होगा, नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि नॉट ग्रेटर देन 20 MB 20 MB, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ईमेल से बनता है कि SMTP और POP से बनता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं SMTP का यूज किस में होता है, तो मैसेज को सेंड करने के लिए यूज होता है, जबकि आपका POP का यूज होता है मैसेज को रिसीव करने के लिए होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है SMTP से तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है SMTP का फुल फॉर्म पूछा, तो SMTP का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। जबकि POP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, POP का फुल फॉर्म पूछता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब ईमेल से जो अगला क्वेश्चन बनता है, ईमेल से अगला क्वेश्चन बनता है कि देखिए आपका जो ईमेल बनता है आपका 3 चीज से मिलकर बनता है। पहला आपका यूजर नेम, आईडी, डेट ऑफ और डोमेन नेम, तीनों से मिलकर बनता है आपका क्या निर्माण होता है, ईमेल एड्रेस होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है कि यूजर नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो अधिकतम जो आपके 64 कैरेक्टर हो सकते हैं।
एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ईमेल एड्रेस में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो ईमेल एड्रेस में आपके 254 कैरेक्टर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा कैरेक्टर यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है, तो हमारे कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा, IDrate अब हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यूजर नेम आगे पाया जाता है कि पीछे पाया जाता है, तो आपका ईमेल एड्रेस में यूजर नेम क्या पाया जाता है, आगे पाया जाता है, जबकि आपका डोमेन नेम क्या होता है, ईमेल एड्रेस के पीछे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं पाया जाता, ये आपके ट्रू फॉल्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ईमेल एड्रेस में लगातार डाट नहीं पाया जाता, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन दे ईमेल दे देगा, बोलेगा कि क्या ये ईमेल सही है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ये कंटिन्यू डाट नहीं पाया जाएगा। तो आप ईमेल से ऐसे कर सकते, 17-18 पॉइंट है जो अभी तक जनवरी से लेकर सितंबर तक इतने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। अब चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पेज में अधिकतम हैंड आउट होते हैं, तो हैंड आउट क्या होता है, जो आपका ऐसा पेज है, पेज के बीच जो ऐसा ऐसा बना होता है, ये क्या होता है, आपका हैंड आउट होता है। तो आपका जो अधिकतम हैंड आउट होते हैं तो 9 होते हैं। इससे एक क्वेश्चन और बनता है आपका, अभी जल्दी ही बना था आपको जुलाई उलाई में, तो उसमें लिखा था कि आपका मिनिमम मतलब कम से कम हैंड आउट एक पेज में कितने हो सकते हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, टोटल 6 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है 14 क्वेश्चन, यूनी एक का फुल फॉर्म आया था, तो यूनी एक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता दू यूनी एक से भी 2-3 क्वेश्चन बना था अभी तक जनवरी से सितंबर के बीच में। तो सबसे पहले मैं बता दू यूनी एक का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले यह क्या, यह एक प्राथमिक सबसे यह एक प्रथम कंप्यूटर था जिनका उपयोग कहाँ होता था, उपयोग व्यापारिक और सामान्य कार्यों के लिए किया जाता था। या इसके बाद देखिएगा यूनी एक बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनी एक जो फर्स्ट था उसका निर्माण किसने किया, 1954 में उसका निर्माण किया गया यूनी एक फर्स्ट का, और किसने किया था, आपके GEC नामक कंपनी ने किया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन इससे ये बनता है कि GEC का फुल फॉर्म क्या होगा, जो GEC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि विच प्रोटोकॉल इज, देखिए वो लिखा हुआ विच प्रोटोकॉल यूज फॉर फाइल ट्रांसफरिंग, तो यहाँ पे लिखा है कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, FTP का प्रयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म कई बार पूछा, तो FTP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि 6वां क्वेश्चन, लिखा हुआ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला आपका दिया पृष्ठ का आकार, दूसरा आपका दिया पाठ प्रभाव, आपका यहाँ पे दिया पृष्ठ ओरिएंटेशन, आपका दिया पृष्ठ लेआउट, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ ओरिएंटेशन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगला जो होता है हमारा 7 अप्रैल 2018 को, इसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल जो मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है या किया जाता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर जो इससे पहले जो मैं वहां पे डिस्कस किए थे मेल के बारे में, वहां पे देखिएगा वहां मैं बताया था सिंपल मेल ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल है वो किसी मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि आपका रिसीव करने के लिए POP का प्रयोग किया जाता है। POP का फुल फॉर्म मैं बताया था आपको क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है, तो किस यूनिट में मापा जाता है, माइक्रोन्स में मापा जाता है। आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल से एक क्वेश्चन और बनता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल का जो स्पीड है वो क्या है, 100 MB/s इसका स्पीड है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि जब आप कोई एजेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, जब कोई कोई एजेंट अर्जेंट सॉरी यहाँ पे जो लिखा है, जब भी कोई आप अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, जैसे ये आपके बैंक से आया हो, लेकिन ये वास्तव में हो सकता है, तो वास्तव में क्या हो सकता है, आपका फिशिंग अटेम्प्ट हो सकता है, ऐसा मेल जो आपको जालसाजी या फंसाने के लिए मेल किया गया, वो मेल क्या कहलाता है, आपका फिशिंग अटेम्प्ट कहलाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपका 4वां क्वेश्चन है। 4वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि इन ASCII में कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, कितने कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 128 कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 0 से लेकर 127 तक होते हैं, तो 0 को लेकर आपको 128 कैरेक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे कई बार ये भी पूछता है कि ए का ASCII में ए का मान क्या है, तो ए से क्या मान होगा, 065 से शुरू होता है ए का मान। आप गूगल में आप उसका मैप देख लीजिएगा, आप वहां पे समझ जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा उस इमेज को, तो आपको वहां पे समझ सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे के जो क्वेश्चन आपका ASCII से बनता है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
फिर यहाँ पे रहेगा ये देखिए ए का जो 065 है, कभी कभी पूछता है 65 का बाइनरी कोड में करिए, तो बाइनरी कोड में करने के लिए मैं बताया था आपको यहाँ पे 65 लिखेगा, फिर आप 2 से डिवाइड करेगा, ऐसा डिवाइड करेगा कि आपको शेष में 0 और 1 बचे, तो 200 लेके डिवाइड करेंगे तो आपको कितना बचा, 232 हुआ, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर डिवाइड करिए 232, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर डिवाइड करिए 200, यहाँ पे 216, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए 2 × 4, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 × 4, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर 200 डिवाइड करिए 2 × 2, यहाँ पे फिर 0 बचेगा। इस प्रकार इस पर मैं बता दें कि आपको यहाँ पे, तो इस प्रकार मैं बता दें कि इधर से आपको उल्टा जाना है, उसके बाद देखिएगा 1, इसके बाद ऐसे आपको यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 0, यहाँ पे 5 0 फिर 1 लिखना है, और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जो 65 के पहले 0 था वो 0 लिख देना, तो ए का मान आपका बाइनरी कोड में इस प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि 5वां क्वेश्चन है, ISDN का फुल फॉर्म पूछा, तो ISDN का जो फुल फॉर्म आया था तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 6वां क्वेश्चन आया था POS का स्टैंड फॉर, तो POS का फुल फॉर्म क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले फर्स्ट सर्च इंजन क्या होगा, सबसे पहले पॉपुलर यहाँ पे देखिएगा पॉपुलर क्या है सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा आपका गूगल हो जाएगा, अगर आपका सेकंड में पूछा तो ये भी जान लीजिए आपका विंग होता होगा, थर्ड पॉइंट में पूछा तो आपका याहू हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन इससे भी बनता कि फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, अगर ये पूछता है फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था तो हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्ची हो जाएगा, और 1990 में आर्की नाम का था एक था 1990 में, जिसको कुछ ने खोज किया था बाई एलन एमटीआज द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि 8वां क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि बैंक लोन देता है तो किसे देता है, आपको गृह लोन देता है, कार लोन देता है, शिक्षा लोन देता है, तो आपका जो 4था ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 4था सही हो जाएगा। यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा कि जावा सी हैच और सी और कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज आपके बहुत सारे आ जाते हैं, आपके लोगो आ जाता है, अलगोल आ जाता है, प्रोलॉग आ जाता है, बेसिक आ जाता है, कोमोल आ जाता है, पास्कल आ जाता है, सी शार्प, लिप्स, स्नोवाल, आरपीजी आ जाता है। यहाँ पे आरपीजी का फुल फॉर्म होता है क्या हो जाएगा, आरपीजी का फुल फॉर्म रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लोगो क्या होता है, एल्गोल क्या होता है, प्रोलॉग क्या होता है, बेसिक क्या होता है, कोमोल क्या होता है, कैसे कैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे सारे चीज डिस्कस करना बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं इसके बारे में एक अलग से चैप्टर है, जैसे लोगो क्या होता है, प्रोलॉग क्या होता है, तो उसके बारे में विस्तार से बताया हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लेंगे तो आप इन सारी चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नो लिमिट हो जाएगा। अगर आपसे चेक से आपका 3 क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका जो चेक का जो आपका मिनिमम जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, तो मिनिमम अमाउंट का भी क्या होता है आपका, नो लिमिट होता है आपका। देखिए अधिकतम रकम का आपका पहली बार नो लिमिट, और मिनिमम अमाउंट का भी क्या हो जाएगा आपका, नो लिमिट हो जाएगा। आपको जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है चेक से कि वैलिडिटी या पीरियड क्या होगा चेक का, तो क्या हो जाएगा, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन इशू होता है उसके 3 मंथ तक आपका क्या होता है, वैलिडिटी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां क्वेश्चन ये था, पूछा था कि बचत खाता खोलने के लिए बैंक में न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए आपका, 10 वर्ष आपका होना चाहिए न्यूनतम उम्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये देखिए 8 अप्रैल 2018 का एक जिन्होंने भेजा था, उनका नाम, उनका चैनल का नाम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन था। पहला क्वेश्चन ये था उनके में HTTP क्या है, तो हमारा इसमें से 4 ऑप्शन था, प्रोटोकॉल, ब्राउजर, इंटरनेट साइट, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो हमारा क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है HTTP से। आपका दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि क्या ईमेल के साथ वीडियो और फाइल संलग्न कर भेजा जा सकता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी इससे पहले शुरुआत में ही मैंने ईमेल से 17 से 18 पॉइंट ऑफ डिस्कस किए थे, यहाँ पे देखिएगा ट्रू हुआ, तो वही चीज यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि ईमेल में स्टोरेज क्या था, 15 GB होता है, आपको वीडियो जो होती है 20 MB से कम कर सकते हैं, अटैच क्या कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट, फोटो, फाइल, ऑडियो, वीडियो, सारी चीज अटैच कर सकते हैं। जिसके ईमेल के जो फादर कौन से हैं, रे टॉमलिंसन है, इन्होंने खोज किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आया था जो विनोद सिंह जी ने भेजा था, इनका जो उस समय 8 अप्रैल का एग्जाम था तब उन्होंने भेजा था, तो यहाँ पे लिखा था ब्लूटूथ की अधिकतम सीमा क्या होती है, तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। बट अगर पूछता है ब्लूटूथ में कि ब्लूटूथ का जो यहाँ पे क्लास जो 1 क्लास का अगर पूछता है रेंज, तो कब से कब कितना हो जाएगा, 100 मीटर तक इसका रेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपका 4था क्वेश्चन है, 4था क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जाम्पल है, तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे डीवीडी के बारे में,
तो हमारा आंसर क्या जो है ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा डीवीडी का फुल फॉर्म, एक चीज और पूछता है तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या जो डीवीडी वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्टिकल डिस्क है, तो ऑप्टिकल डिस्क का जो एग्जाम्पल आपका कौन सा है, सीडी और ब्लू रे डिस्क भी इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी काफी अच्छा पॉइंट है। जैसे ऑप्टिकल डिस्क ऐसे होता है तो वहां पे जो गड्ढे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो गड्ढे के बीच में जो जगह बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिर इनको किस बाइनरी नंबर से किसे दर्शाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। डीवीडी के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि डीवीडी में जो एकल लेयर की जो क्षमता होती है वो कितना होती है, तो एकल लेयर की जो क्षमता हो जाएगी आपका 4.7 GB होता है, जबकि आपका जो अगर दो लेयर की जो क्षमता होती है कितना होती है, 8.5 GB होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपका था सीसी का फुल फॉर्म आया था, सीसी का जो फुल फॉर्म आया था तो फुल फॉर्म इसमें आया था कार्बन काफी आया था। छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा WAN का, WAN का फुल फॉर्म आया था, WAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इनका सातवां क्वेश्चन में ये आया था कि पैन वैन और वैन मैन में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा, तो सबसे बड़ा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपका जो पैन का फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, जबकि आपका वैन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, जबकि आपका मैन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो अठारह क्वेश्चन है इसमें आया था कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC था। तो ENIAC से बहुत क्वेश्चन आता है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन अभी तक जनवरी से सितंबर के बीच में आया, उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहले ENIAC का फुल फॉर्म आया था, तो ENIAC का जो फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म ENIAC का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, या कैलकुलेटर या कंप्यूटर बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ENIAC का खोज किसने किया था, तो ENIAC का जो खोज किए थे 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने समान कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार किया था, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, ENIAC नाम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि नवा क्वेश्चन है, नौ को जहां पे लिखा कि अटल पेंशन योजना में किस आयु के लोगों के लिए है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है। अब यहाँ पे देखिए अटल पेंशन योजना, तो इसमें से जितना भी तो क्वेश्चन बना है जनवरी से सितंबर के बीच में सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करिए। सबसे पहले क्वेश्चन बना था कि कब लॉन्च हुआ था, तो 9 मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका बना था कि किस पुराने योजना का नाम को हटाकर अटल पेंशन योजना किया था, तो किसको, स्वावलंबन योजना को हटाकर क्या किया गया, अटल पेंशन योजना किया गया। अगला प्रश्न जो बनता है कि इसमें दो क्वेश्चन बनता है आपके पेंशन से कि अटल पेंशन योजना में न्यूनतम कितना पेंशन मिलता है, तो न्यूनतम 1,000 मिलता है और अधिकतम जो पेंशन मिलता है अधिकतम 5,000 रुपया मिलता है। अगला क्वेश्चन जो बनता है कि पेंशन मिलना शुरू होगा कब होगा, 60 वर्ष से मृत्यु तक पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, 60 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि आपके किसको बाद में मरने के बाद किसको पैसा मिलता है, तो किसको पैसा मिलता है, आपको नामनी के, वहां पर नामनी को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा आपको जो जुर्माना होता है 100 रुपये पे 1 रुपया जुर्माना इस पे लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन उस समय आया था, WW का फुल फॉर्म आया था, WW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन जो सचिन द्विवेदी जी ने उस समय भेजा था, उनका एग्जाम उस समय 7 अप्रैल को था, तो क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक तौर पे अपंग होने पे कितना मुआवजा दिया जाता है, तो कितना मुआवजा दिया जाता है, आपको 1 लाख मुआवजा दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कब लॉन्च किया गया, तो 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इंश्योरेंस किसका होता है, तो आपका एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस होता है। कौन सी कंपनी कवर करती है, तो आपकी कौन सी कंपनी करती है, GIC करती है। किस आयु के लोगों के लिए होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए होता है। रिस्क कवर स्टॉप एट एज, किस वर्ष पे आपका रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है, तो आपका 70 वर्ष की आयु पे हो जाता है। आपको जो प्रीमियम होता है वो कितना होता है, 12 रुपया पर साल होता है। आपका नेचुरल डेथ पे क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता आपके नेचुरल डेथ पे। अगला जो बोलता है कि एक्सीडेंटल डेथ पे कितना मिलता है, तो आपको एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख मिलता है और फुल्ली डिसेबिलिटी पे कितना मिलता है, 2 लाख मिलता है। बट जबकि आपका एक क्वेश्चन आता है कि आंशिक तौर पे अपंग होने पे कितना मिलता है, तो आपको आंशिक तौर पे 1 लाख मिलता है, जबकि आपका फुल्ली डिसेबिलिटी पे कितना मिलता है, आपको 2 लाख मिलता है। फाइनेंशियल ईयर आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का तो क्या है, 1 जून से 31 मई है। अगला क्वेश्चन जो बनाओ क्वेश्चन है, लिखा हुआ फिक्स डिपोजिट के अधिकतम कितने अवधि तक होता है, तो कितने अवधि तक होता है, आपका 10 वर्ष तक होता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है
होता है कि आपका फिक्स डिपोजिट में मिनिमम कितना वक्त तक होता है, तो मिनिमम 7 दिन तक आप अपना कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट से आपका दो क्वेश्चन और बनता है, अमाउंट पे बनता है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट का नो लिमिट होता है। अगर मिनिमम अमाउंट है तो मिनिमम अमाउंट को जो लिमिट है फिक्स डिपॉजिट में 1,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि इमेज ऑफ एक्सटेंशन, तो इमेज ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, जेपीजी या जेपीईजी होता है। सोनू यादव जी ने भेजा था, उनका एग्जाम 7 अप्रैल को उस समय था, आज हम क्या आने वाले थे। तो यहाँ पे देखेगा जो होता है जेपीजी या जेपीजी में होता है, तो यहाँ पे देखेगा पहली बात यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, जेपीईजी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा, जबकि यहाँ पे देखेगा इसका हो जाएगा या FIF, यहाँ पे देखेगा फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा, ज्वाइंट फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपका 14वां क्वेश्चन था, उसमें पूछा था इनमें से कौन सा डोमेन नहीं है, तो यहाँ पे दिया था और डॉट ऑर्गेनाइजेशन दिया था, डॉट उसके बाद डॉट PNG दिया था और डॉट एजुकेशन दिया था, डॉट इन दिया था। तो यहाँ पे एजुकेशन है, डॉट इंडिया है, ऑर्गेनाइजेशन ये डॉट PNG है, तो कोई डोमेन आपका नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें अप्रैल में आया था, तो 15वां क्वेश्चन आया था कि यूनाइटेड किंगडम का कौन सा डोमेन प्रयोग करता है, तो डॉट UK प्रयोग करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि साहूकार से लिया गया धन क्या होता है, तो साहूकार से जो लिया गया धन क्या होता है, पहला ऑप्शन आपका सुरक्षित था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे था आपका कम ब्याज होता, तीसरा ऑप्शन आपका था असुरक्षित और अधिक ब्याज होता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमारे कौन सा आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो क्या होता है साहूकार से लिया गया धन आपका असुरक्षित भी होता है, अधिक ब्याज भी लेता है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि संदीप मौर्या जी ने भेजा था कि स्लाइड शो को रन करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, स्लाइड शो को रन करने के लिए आपको F5 का प्रयोग किया जाता है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 18वां क्वेश्चन आपका मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा था, तो मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि अभी आपका जो पूछा था जुलाई और अगस्त में जो आपका क्वेश्चन पूछा था, इसमें ऐसे पूछा था कि आपका जी का मीनिंग मनरेगा में जी का मीनिंग क्या है, तो जी का मीनिंग क्या हो जाएगा, गारंटी इसका मीनिंग हो जाएगा, ऐसे भी आपका क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां है कि info.nilet.in में इन्फो का क्या अर्थ है, तो इन्फो का क्या अर्थ हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इन्फो का अर्थ। अगला क्वेश्चन जो 20वां क्वेश्चन है कि एक्सेल में सेल A1 में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि यहाँ पे देखिएगा गो टू डायलॉग बॉक्स करने के लिए F5 और कंट्रोल प्लस G का प्रयोग करते हैं, और ऑन द डायलॉग बॉक्स में अगर डायलॉग बॉक्स आपने ओपन किया तो वहां पे टाइप A1 करेंगे तो आप डायरेक्ट चले जा सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा आप उसको उसी हिसाब से लगाएंगे। और दूसरा यहाँ पे देखिए यूजिंग नेम बॉक्स, आप दूसरा तरीका आप यूजिंग नेम बॉक्स के तरीके कर सकते हैं, वहां पे नेम बॉक्स वहां पे टाइप A1 के द्वारा आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो 21वां क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था, SBI के चेयरमैन कौन थे, तो SBI के चेयरमैन इस समय आपके तो राजेश कुमार जी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए जो कि आपको टोटल 3 वीडियो को एक वीडियो में करके डिस्कस किया गया है। अब बढ़ते हैं कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे कुछ लोग का मैसेज आया है। सबसे पहले मैसेज ये नंदनी कौर जी ने भेजा है, लिखा कि स्टार कदम सर आई गॉट वी ग्रेट बिकॉज ऑफ योर वीडियो ओनली, आई टोटली रिलाइड ऑन योर वीडियो एंड सम हाउ मैनेज टू गॉट ग्रेट वी, थैंक यू सर, क्रेडिट गोज टू यू, आई गॉट माई रिजल्ट ऑन 18 सितंबर। इन्होंने 18 सितंबर को अपना रिजल्ट पढ़ाया। अगला मैसेज जो है रॉयल रॉकेज का इनका है, सर आज रिजल्ट मेरा आया, 4 अगस्त को इनका एग्जाम था और मैंने 2 या 3 तारीख को ही बस आपका ही वीडियो देखे थे, स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देके आया, आज मैं मेरा बी ग्रेड आया, थैंक यू सर, इन्होंने भी मैसेज करके भेजा है। और जिन लोग का मैसेज नहीं आया वो लोग अपना टाइम वेट करें, धीरे धीरे आपका जो रिजल्ट होगा पब्लिश होता रहेगा, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा, आपके ईमेल पे भी मैसेज आएगा। तो जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग अपने डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम को लिंक दे दूंगा, आप वहां से मुझसे जाकर वहां पे जुड़ सकते हैं।